प्याज के रस में दो चीज़ें मिला के लगा लो, बाल इतने मोटे घने लंबे हो जाएंगे कि संभाल नहीं पाओगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद के हेल्थ एंड ब्यूटी सीक्रेट में। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही मैजिकल नुस्खा लेकर आई हूँ जो कि झड़ते टूटते बालों को रोकने में, बालों को मोटा घना बनाने में, यानी पतले बालों को मोटा बनाने में, झड़े हुए बालों को वापस लाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपने चैनल पर डालूं आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी हेल्थ एंड ब्यूटी वीडियोज़ को देख सकें। साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें और किसी भी तरह का सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड, जान लेते हैं ये नुस्खा क्या है और इसको कैसे बनाना है। तो फ्रेंड, इस नुस्खे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। अगर आपके बाल ज़्यादा घने हैं या लंबे हैं तो आप थोड़ा बड़ा साइज़ का भी प्याज ले सकते हैं। तो मैंने प्याज को छील लिया है और अब मैं इसको जिंजर ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लूँगी जिससे इसके बारीक पीसेस हो जाएंगे और इसका जूस निकाल। आप चाहें तो प्याज के छोटे छोटे पीसेस काट के इन्हें मिक्सी में पीस कर पेस्ट तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैंने जिंजर ग्रेटर की हेल्प से इसको ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी चाय छन्नी की हेल्प से और इसका जूस कलेक्ट कर लूँगी। और आप चाहें तो इसे कपड़े की हेल्प से भी इसका जूस छान सकते हैं। तो फ्रेंड, मैंने इसका जूस छान लिया है। साइंटिफिकली प्रूफ है कि प्याज का रस हमारे झड़े हुए बालों को वापस लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बालों का झड़ना टूटना रोकता है। प्याज में सल्फर प्रचुर मात्रा में होता है। सल्फर नए बाल उगाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। साथ ही सल्फर बालों को जड़ों से मजबूत करता है और ये सर के गंजीपन को दूर करने में बहुत ज़्यादा कारगर है। मैंने यहाँ पर ली है कैस्टर ऑयल जो कि मैं प्याज के जूस में डालूँगी। कैस्टर ऑयल में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे बालों को झड़ने टूटने से रोकने में मदद करते हैं। साथ ही कैस्टर ऑयल नए बाल उगाने में मदद करता है। सर का गंजापन दूर करने में प्याज का रस और कैस्टर ऑयल दोनों बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। एलोपीसिया और बाल्डनेस में कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल करने से नए बाल आना शुरू हो जाते हैं और झड़े हुए बालों को फिर से वापस लाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। पोषण देते हैं जिससे बालों में चमक आती है, बाल जड़ों से मजबूत और स्वस्थ रहते हैं और बालों की सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। तो मैंने यहाँ पर एक चम्मच कैस्टर ऑयल ले लिया है। अगर कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पर एक चम्मच जैतून का तेल भी ले सकते हो क्योंकि जैतून का तेल जो होता है वो भी हमारे बालों झड़ना टूटना रोकता है और बालों की ग्रोथ को तेज़ी से बूस्ट करता है। तो आप यहाँ अरंडी के तेल की जगह जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। फ्रेंड, मैं यहाँ पर ले रही हूँ विटामिन ई कैप्सूल। एक विटामिन ई कैप्सूल मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो दो विटामिन ई कैप्सूल भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। विटामिन ई जो होता है हमारे बालों की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बूस्ट करता है। साथ ही बालों में चमक लाने में और बालों को जड़ों से मजबूत बनाने में विटामिन ई बहुत ज़्यादा मददगार होता है। ये एक ऐसा विटामिन है जो हमारी स्किन को और हमारे बालों को बिल्कुल नई जान प्रदान करता है। तो हमने यहाँ पर विटामिन ई कैप्सूल का पूरा ऑयल इसमें डाल दिया है। आप विटामिन ई कैप्सूल की जगह पर विटामिन ई का ऑयल ले सकते हो। तो बस सारी चीज़ों को हमें कर देना है अच्छे से मिक्स। तो तैयार हो गया हमारा ये हेयर जेल या हेयर मास्क, आप कुछ भी कह सकते हो इसको, हेयर टॉनिक भी कह सकते हो। इसे लगाने का तरीका जान लेते हैं फ्रेंड। इसे कॉटन की हेल्प से बालों की जड़ों में अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद धीरे धीरे 10 मिनट तक लगातार मसाज करनी है। फिर 1 घंटे के लिए छोड़ देना है फ्रेंड। 1 घंटे बाद आपको शैम्पू कर लेना है। इस नुस्खे से फ्रेंड बालों का झड़ना टूटना रुकता है, बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बूस्ट होती है, बाल जड़ों से मजबूत होते हैं, साथ ही सर का गंजापन दूर होता है, झड़े हुए बाल वापस आना शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड, इस नुस्खे का अगर आप रेगुलर यूज़ करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। फ्रेंड, आई होप कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल को भी दबाइए। या सवाल सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।